मत्ती 9 अध्याय के 22वें वचन। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। ये स्त्री 12 साल खून बहने की बीमारी थी। अपने सारे धन दौलत को खर्चा किए उनको चंगा न मिला, लेकिन यीशु की आने की चर्चा को सुनी और वहां गलील में आके यीशु को देखने के लिए वो चाहती थी। उनको ये विश्वास था, यीशु की वस्त्र के कोने को छूने से मैं चंगे हो जाऊंगी। उसने छुई और चंगाई को प्राप्त की। इसी स्त्री से यीशु ने कहा, बेटी ढाढ़स बांधो। इस अद्भुत काम कब हुआ था आप अच्छे से देखेंगे। यईर नामक एक प्रार्थना करने वाला था, उनकी 12 साल की बेटी मर गई थी। यीशु आने की चर्चा को जैसे ही सुना था, उस कफरनहूम में वो दौड़ कर आया, उसके चरणों पर आके गिरा। हे प्रभु, तू मेरे घर में आना, मेरे बेटी को तू जिलाना, वो मर गई है, तू उसको उठाना है। ऐसे ही विनती किया, उनको विनती को सुना, यीशु उनके साथ चला। उसी रास्ता में उस बहन ने चंगाई को प्राप्त की। यईर बेटी की चंगाई और वो स्त्री की चंगाई, दोनों में एकता को देखिएगा। इस यईर को देखिए, पूरे शहर वाला से परिचित आदमी थे, लेकिन इस स्त्री को देखिए, कोई नहीं जानते हैं। उस स्त्री को भी यीशु ने चंगा किया। एक ऐसा शुद्ध स्त्री है, ये प्रार्थना हाल ही में जाने का लायक नहीं है, वो तो एक सरदार है। यहीर ने यीशु को आमने सामने देखा और उनको बुला के लाया, उस बेटी को चंगाई भी मिली। लेकिन ये स्त्री को देख के छिप छिप के चंगाई को पाई। बाद में ही यीशु से आके कही, बेटी की उम्र 12 है, लेकिन इस स्त्री का दुख 12 साल से सही है। इन बातों को आप ध्यान देंगे, परमेश्वर किसी से दूर नहीं है। कोई भी उनके पास आने से, हो सकता है सरदार है या अन्य लोग है, समाज में अशुद्ध लोग भी है, नहीं तो किनारे किए गए, कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए मदद करता है यीशु। आपकी छोटी सी विश्वास को आदर करेगा। आपको जो भी तुच्छ जानते हैं प्रभु, लेकिन आपको तुच्छ नहीं जानेंगे। अद्भुत काम करेगा, आदर सम्मान करेगा, सबके सामने आपको सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।